मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अरे खाटू श्याम जी कैसे हैं? मुझे नहीं पता था इतने जल्दी मिलेंगे आप मुझे, वो भी यहाँ पे। ओ श्रीमन नारायण नारायण, कैसे हैं लीलाधर? बस मैं थैंक यू बोलने आया हूँ आपको, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहाँ क्या मांगू आपसे, आपका घर मांग लू क्या? तीनों लोगों का अधिपति 9,000 दिन बाद अब घर ही बचा है आपका, अगर देना है तो दे दीजिए वैकुंठ। अगर मैं उस योग्य हूं तो, नहीं हूं तो योग्यता का क्या बोलते हैं भोलेनाथ, अभी तो नहीं। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। माँ भगवती सब आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोले ना मत, कैसे हैं भैया? चलो सब कोई खुश रहें, आबाद रहें, यहाँ रहें, फरीदाबाद रहें, जहाँ रहें, क्या बोलते सबके सबके जीवन में खुशियाँ, सबके बाल बच्चे बढ़िया से प्रगति उन्नति करें, आप लोग भी धन संपत्ति के साथ दान धर्म भी करें। कलयुग में दान ही तो है एक ऐसा चीज जो बचा हुआ है, करते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे तूने बहुत दे दिया है। मेरे सर का ताज इनके सामने क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मुझे भोलेनाथ से बात करना है, अभी आता हूँ। मुझे कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैं आज ये इच्छा करता हूँ भोलेनाथ, आज जो कुछ भी मुझे देख रहे हैं ना, सबकी इच्छाएं आप पूरी कर दें, मैं आपसे आज ये मांगता हूँ। थोड़ा भर के दीजिए ना। बैठे हैं, थोड़ा आशीर्वाद आ जाएगा तो। भैया कल मिलने वाले हैं, 90% चांसेस मिल लेंगे, 10%। बोले भैया 1% आप कोशिश करो, 90% बहुत होता है, 90% तो 90 बार आ जाओगे आप। अरे कुछ नए लोग हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में राय बनाने से पहले ना कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ। बच्चा बच्चे लोग एक साल देख लो उनको, उसके बाद तुम ये सब चीज डिसाइड करो। हमको इतना आसानी से नहीं समझ पाओगे कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं, तो एक साल
सीखो। आमतौर पे तो 6 महीने में भी कुछ लोग सीख गए हैं जो अभी तक से हैं। बाकी मैंने नोटिस किया कम बुद्धि है, तो आप लोगों को 1 साल लगेगा, आप बहुत से योग्य हो नहीं। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ सीखने को सीख ही रहे होगे, अगर नहीं सीख पा रहे हो तो ऊपर वाला ही भला कर रहा है। समझ में आया क्या? समझ में नहीं, सीख लेंगे। वैसे चाहो तो 1 महीने का है यहाँ पे, कुछ चीजें तो मुझे विजिट करनी पड़ गई थी, बट बाकी काफी कुछ है, आप देखो आनंद आएगा। नहीं है रहता तो मैं रेकमेंड करता कि सेल का पेट्रोल पंप से ही भरा हुआ। क्या चल रहा है? 95, 94। अरे नहीं यार, 101 है। कैसे लीटर है भैया? हैं? 95। और ये 101 क्या पावर वाला है क्या? जो मेरे हैं वो फॉर्चुनर दिख रहा है। ओहो नैना, जो मेरे गाड़ी वाड़ी में हम बैठते हैं ऊपर से साला तो हम बहुत बड़ा याज बन जाते। एक ही बार तो गाड़ी में बैठा था मैं। झंझनात सेक्टर 18 में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज यहाँ पे फॉलो अप कॉल्स है मेरे, क्योंकि बहुत दिनों से सेक्टर 18 का मार्केट दोबारा नहीं आया हूँ, मतलब तो उधर गया हूँ। क्या बोलते हैं भैया, कितने दिन बाद आया मैं यहाँ पे? काफी दिन हो गया ना। ये मेरा है लेटर दिए। आप बेच रहे हैं? कितने का है? सबका अलग अलग प्राइस है। सबका अलग अलग प्राइस है। आता हूँ पैसा कमा के लूंगा, अगर कमाया तो आके लूंगा। अरे नया नया गाड़ी लिया है सर, पे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जाए। कितना पड़ा सर इसका? सर कैश पे 95 है। कैश पे 95 है? माँ कसम, इतनी सी बाइक का भी 95 कीमत हो गया है? और कैश नहीं लिए तो फाइनेंस कराएंगे तो 120 की पड़ती है। 120। जहाँ हम 1 लाख नहीं है, मैंने 74,000 रुपये में अपनी अपाचे बाइक खरीदी थी। सर मैंने ये गाड़ी ना 41,000 रुपये खरीदी थी, आज की डेट में देख लो। इतना महंगा हो गया है यार। प्राइस बहुत चला गया है, बहुत ज्यादा। तो पैसा कमाने के लिए ही ओला उबर में लाइक मारने बनाने हमारे जो है। अच्छा ओला उबर में हो? हाँ तभी 2 हेलमेट लेके घूम रहे हो आप। यही परवर्ता भी होगा यहाँ पे, तो पेट्रोल भी थोड़ा 10 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए और सस्ता है। ये मालिक है यहाँ के, आपको पता है स्टार कंप्यूटर्स। तो यहीं पे हम बैठते हैं, सर से ढेर सारी बातें हुई और सर ने बोला हम लोग कौन से अगला महीना कहाँ जा रहे हैं सर? स्पीटी वैली जाएंगे हम लोग। तो बाकी थिंग्स भी हो रही हैं, मतलब मैं तो बेसिकली काम से जाऊंगा, सर घूमने के लिए जा रहे हैं। करेक्ट बोलना। हाँ
हाँ बताइए बताइए, उसको एडिट वगैरह करके उसको फिर हम अपना इंस्टाग्राम पे अपलोड और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। अच्छा, आप जैसे मैं आया बोले आप छाए हुए हो, तो यार आपकी वीडियो वगैरह देख रहे हैं हम, जो आप आजकल बना रहे हो अच्छी बात है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने मतलब दिल्ली नोएडा में मैं एक सिचुएशन में फंस गया था, इन्होंने मुझे निकाला, उसके बाद से हमारी दोस्ती हो गई और थिंग्स चल रही है। इनको मेरा काम पसंद आया तो आई मतलब आप सबको मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ। मोबाइल, लैपटॉप, प्ले स्टेशन रिपेयर एसेसरीज, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सेकंड हैंड फोन भी मिल जाएगा। मेरे तरफ से हाई रिकमेंडेड है, आप आइए, चंदन यदुवंशी नाम लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको अलग से भी करके दे दिया जाएगा। क्या गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? तो सुस्वागत है, मैं अगर सेक्टर 18 के आसपास हैं आप लोग तो आप एक बार आकर के विजिट कीजिए। हाँ जी, मोबाइल लैपटॉप प्ले स्टेशन हाँ, ऐसी ऐसी आइटमें हमारे पास पड़ी हैं जो शायद इन ऑर्डर में किसी के पास मिले हैं। हमारे पास कैमरा कोई भी हो, मोबाइल मतलब है कि लैपटॉप भी खराब हो गया, मोबाइल भी खराब हो गया, कुछ भी हो गया है ना आपको, कुछ प्ले स्टेशन कुछ भी अगर खराब वराब हो गया है तो आप आइए। शर्मा सर बैठे हुए हैं, नाम लीजिएगा मेरा, हो जाएगा काम आपका, और पूरी तरह से ऑथराइज और ऑथेंटिक है। सेकेंड हैंड में भी डील करते हैं मोबाइल, अगर आपको जैसे मोबाइल लैपटॉप प्ले स्टेशन हाँ तीनों चीज आपको अपग्रेड करना है, स्विच करना है तो वो भी करके देते हैं। मैं यहीं से करने वाला हूँ आने वाले समय में, थोड़ा पैसे कमा लें। चलो मैं मतलब अगर प्रो सीरीज लेना, सबसे पहले तो यहाँ से मैकबुक प्रो हटा दिया ना, M3 है ये, और इसका क्या प्राइस आप बता रहे हो? 2 लाख रुपए। 1,70,000 से है। अच्छा, और वैसे जो ये मॉडल आपका लगा हुआ है ये प्रो मॉडल है, मतलब M3 प्रो चिप के साथ स्टार्टिंग 1,00,000। वेट तो ऑलमोस्ट ठीक ही था। ठीक है ना, हमको एक मेरा तो एयर में काम चलेगा भी नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम तो ये भी है, हालांकि एयर सस्ता भी पड़ रहा था। एक काम करो ना मैम, मुझे अपना प्राइस कैटलॉग दे दो, एक कुछ कागज में लिख करके दे दो, स्टार्टिंग रेंज टू हायर रेंज दोनों का दे दो। यार मुझे याद है मैंने खाना नहीं खाया और दवाई भी नहीं खाया है। ये मेरा आशियाना छोटा सा जहाँ पे हम बैठते हैं सेक्टर 18 में, मतलब मेरा एक प्रोफेशनल जगह होता है और दूसरा जगह रहता है टपरी वाला। टपरी में जो बात होता है वहाँ पे कहाँ होता है। अरे शर्मा सर ने तो गजबे कर दिया है एकदम, स्प्लिट वैली लेके जाने वाले हैं, वाह क्या बात है यार। बेसिकली उनको काम मेरा बहुत पसंद आया। बस ऐसे ही हर सेक्टर में 5-6 कस्टमर बन जाना है। अरे यार ये तो बिजली, हुसैन साहब लाइटर दीजिए ना। आहा परत तो बरसे, राम बरसे। उसके बाद कुछ खाते हैं, उसके बाद दवाई खाएंगे यार। अरे बैठे ना हुसैन साहब, कहाँ जा रहे हैं?
मतलब जो मेरे 284 कितना सर 305 या 6 बोला ना 305 एक रुपए एक्स्ट्रा कटा है। अच्छा लेकिन मेरा अभी जो है वो थिंग्स जो है क्लियर है कुछ दिनों में खुद ही हट जाएगा वो आपको पैसा जो बोल्ड दिख रहा है 283 रुपए खुद हट जाएगा पैसे कट जाए डेबिट कार्ड से डेबिट कार्ड का लगा हुआ था ये हर साल कटता है मतलब ना मेरा हर साल कटता है 100 करके कटे या कुछ भी कटे 305 ही कटता है। अच्छा जीएसटी और मेरा अकाउंट में कोई इशू या कुछ समथिंग लाइक दैट सब ये तो जीरो अब मेरा जीरो हो गया ना एक मिनट में समझ से जाएगा प्लीज। अरे समझ सकते हैं हम मेरा एक्चुअली क्या है ना मैं बाकी सब चीजों में इन्वॉल्व था जिसकी वजह से आ नहीं पाया क्योंकि अकाउंट से पैसा कट रहा है मतलब बहुत तकलीफ वाला चीज है समझ रहे हैं ना सर सही कटा है ना वो आपके भाई के अकाउंट पहले अकाउंट में पैसे रहते थे कोटक महिंद्रा बैंक। हाँ पता चल गया क्यों कटा था भाई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है 305 एक रुपये ज्यादा कटा है। तो भैया बता रहे थे यहाँ ऑफिस है उनका मतलब कुछ तो स्टार्ट करने वाले हैं या ऑफिस कुछ तो ऐसा है समथिंग लाइक दैट। और मुझे लग रहा है भूख भैन छोड़ मुझे दवाई खाना है यार इससे करके ना छोटे मोटे कितने सारे काम मैंने रोक के रखे हैं मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। खैर ही कहीं पे खाने पीने का है जुगाड़ यहाँ पे भैया के साथ ये एरिया में आकर के हमको थोड़ा थोड़ा अपना फील जैसा लग रहा है सही एरिया है यार वहाँ का छत बहुत अच्छा है ये काम करने के लिए। खाते हैं उसके बाद दवाई खाना है और क्या चल रहा है जीवन में साला अलविदा क्या बोला जाए यार चूहा काट दिया था वन प्लस का था यार बहुत अफसोस हो रहा है लेकिन आएगा कैसे एक ढेले का इनकम नहीं हुआ है फॉलो अप चल रहे हैं इसको हम खरीद लिए है ना आपके वजह से तो खोलिए ना। हाँ भाई हेडफोन भी एक बार अभी नया नया खरीद भी लिया रियलमी वायरलेस 3। हाँ बताइए कुछ बताइए इसके बारे में फीचर्स बताइए वायरलेस 3 जो है हाँ एनसी थोड़ा सा कॉर्नर में आके बताइए पंखा में आवाज आ रहा है इधर क्या क्या फीचर्स है सर इसके अंदर जो है सर एक तो एएनसी फीचर है जो कि प्रॉपर्ली वर्क करता है। एएनसी क्या होता है सर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव नॉइस कलेक्शन नॉइस कलेक्शन कैंसिलेशन की जगह पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। अच्छा फिर और बस इतना ही है बाकी तो सर आप कनेक्ट करोगे। अच्छा बोलिए ना दो फोन एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं 2999। आजकल के हेडफोन में पहले चार्जर देता था अब चार्जर भी देना बंद कर दिया यार थोड़ा सा मेरे लिए कर देते दो मिनट। हाँ हाँ ठीक है अच्छा मैं भी ना कुछ और ही सोच रहा था दोस्त मैं कुछ और बोलने वाला था लेकिन मैं कुछ और बोल दिया आता हूँ मैं जगह आपको याद होगा यहाँ पे मेरा बड़ा सामान छुटा हुआ है मेरा
क्या कहता है कि ट्रिमर का चार्जर है, यहाँ पे दो चार दिन, पाँच छह दिन वहां, मतलब दस बारह दिन रहा था मैं इस पीजी में। हाँ, दस बारह दिन तो पक्का रहा, उसमें से सोने के नाम पे दो चार दिन ही सोया था मैं। सो एक्सपीरियंस तो खतरनाक है पीजी का भाई, मतलब मेरे जैसे आदमी के लिए पीजी बना नहीं है। सेक्टर 18 का मार्केट इतना बड़ा है ना, कहने का बात नहीं यार। चलो आता हूँ मैं। मैडम माया को? हाँ, दूसरे ऊपर वाले में लगाइए। ठीक है, थैंक यू। अब वापस से रैप अप कर दीजिए। ये भी एक काम, इतना सारा वायर के साथ ये काम कंप्लीट हो गया। हालांकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया मैंने, लेकिन सेफ एंड साइड में ठीक ही है सर। 10-20 रुपए के लिए उतना भी नहीं करना चाहिए। चलो, उधर एक अलग दुनिया है, इधर एक अलग दुनिया है, और अभी हम बीच में खड़े हैं। मतलब इटली नहीं यार, अभी भी घड़ा और पानी का जुगाड़ करना बाकी है, बट अब कल करें। घबरा गए, हम थोड़ा सा मार ही देगा साला इन लोग। व्यवस्था टाइट रखा है मैंने आज, बैठा जाएगा, बतियाया जाएगा। सुबह से एक समोसा खा करके वहीं से काम कर रहा हूँ। चलो आता हूँ। फाइनली अपने आसन पे बैठ गया, दिन भर का काम खत्म करके। यार आज तो एक नहीं, दो दो बॉटल है। चीज़ दोस्त, जिंदगी होता है ऐसी हो, वरना जिंदा जान के बाद पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ। तेरे बिना जीना सजा हो गया वे सानू, इश्क तेरे ता नशा हो गया नी सानू। Sex is not love. Dating is not love. Talking to someone 24 hours a day, 7 days a week is not love. Staying awake all night for someone is not love. Love is someone who sees your tough side and still chooses to love you. It's some.